दोस्तों, हम अभी आए हुए हैं दीघा, और दीघा के नज़ारे आपको दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, और काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं। काफ़ी खूबसूरती से चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो सोनपुर की ओर चली जाती है, या हाजीपुर सोनपुर बोल सकते हैं, गंगा उस पार चली जाती है, जिसको जेपी सेतु ही बोलते हैं। जेपी सेतु आपको सामने दिख रही है, और ये नीचे से अंडरपास बनाए जा रहे हैं, और अंडरपास से ये सामने की ओर जाते हुए ये आपको ये रोड जो है मिल जाती है। गंगा के बगल में जो मैरीन ड्राइव बनाई जा रही है, मैरीन ड्राइव जो बनाई जा रही है, उसी में जाकर के मिल जाती है। तो चलिए दिखाते हैं, उस रोड में चलते हैं कुछ दूर तक, और चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनाई जा रही है। ये सामने जो नए नए रोड हैं, ये बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं, और खूबसूरत तरीके से इसे बनाए जा रहे हैं। और ये अंडरपास आपको सामने दिख रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं, और इधर से अंडरपास से जो है चीज़ें आपको दिखेंगी, ये आपको चली जाती हैं सामने की ओर, जो मैरीन ड्राइव बनाए जा रहे हैं। मैरीन ड्राइव में ये जाकर मिल जाती है, कनेक्ट हो जाती है ये रोड, देखेंगे तो। और इसमें देखिए काम चल रहे हैं, और इधर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और इधर के दीघा के जानते ही हैं, एक बीच की तरह चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ देखिए बीच जैसा बनाया जा रहा है, चीज़ों को काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहे हैं। और ये जो है मरीन ड्राइव में जाकर के मिल जाते हैं। तो इधर देख सकते हैं कितना अच्छा सा स्पेस है, कितनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा। जब डेवलपमेंट हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगे, और तो काफ़ी खूबसूरत दिखेंगे। और देख सकते हैं ये कितनी सुंदर दिख रही है, ओवर ब्रिज जो साइड से दिख रही है, कितना खूबसूरत ये चीज़ है, कितनी खूबसूरत ये ब्रिज आपको दिख रहे हैं। नीचे में देखेंगे तो रेलवे ब्रिज है, और ऊपर से गाड़ियाँ चलती हैं, यानी ऊपर से रोड है, और नीचे में रेल के ट्रैक बिछे हुए हैं, जो कि चीज़ों को काफ़ी बेहतर बना देता है। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये जगह, और कितनी सारी स्पेस है, कितनी बड़ी सी स्पेस है। और इधर ऊपर से चले जाते हैं, इधर से घूमते हुए जब ऊपर से जाते हैं तो पुल पर आप चढ़ सकते हैं, इधर से भी घूम कर, और सामने से भी रास्ते हैं, तो दोनों तरफ से आप चढ़ सकते हैं। ये एक्चुअली में ये मैरीन ड्राइव के लिए रास्ते दिए जा रहे हैं, और काफ़ी कंस्ट्रक्शन इधर देखने को मिल रहा है, और काफ़ी सुंदर चीज़ें सुंदर तरीके से बनाए जा रहे हैं। आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे तो काफ़ी बदल जाएगी यहाँ की सूरत, जैसा देखने से लगता है। लोग यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, काफ़ी चीज़ें, वॉलीबॉल, काफ़ी चीज़ें खेलते रहते हैं, देख सकते हैं। और शायद कुछ यहाँ बनने वाला है, तो पता नहीं चल रहा क्या बनने वाला है। जब बनेगा, चीज़ जब बनकर तैयार होंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये रोड जो है ऊपर से होते हुए ओवर ब्रिज पर चढ़ जाती है, और इधर से ये खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं, और सामने देख सकते हैं यहाँ पे बीच के पास घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, पानी अच्छे खासे आपको पानी अभी देखने को मिलते हैं। चलिए आपको पास में चलकर दिखाते हैं कि चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं, कितने अच्छे तरीके से बनाई जा रही हैं। जो कनेक्टिविटी है वो दो तरीके से बनाई गई है। इधर से देखेंगे तो इधर से एक ऊपर की ओर चली जाती है, और नीचे से भी आपको रोड दिखेंगे जो कि नीचे से होते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। तो काफ़ी अलग तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और आगे और चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ लोग देखिए, गंगा को मैं दिखाता हूँ, ये गंगा का पानी, और दीघा बीच जिसे बोलते हैं,
और ये दीघा के सीन काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी स्वच्छ और साफ पानी अभी देखते हैं, क्योंकि गंगा की सफाई अभियान भी चल रही है, तो चीज़ें काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। और गंगा के पास देखिए लोग फुटबॉल भी देख रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। इस पार से उस पार लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए नाव है, नाव में भाड़े भी हैं, भाड़े भी लगते हैं, 50 रुपये इसमें फेयर है, शायद अभी बढ़ा है, क्या हुआ। तो ये देख सकते हैं गंगा के नज़ारे, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, लोग कितने सुंदर दिख रहे हैं, देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया। और दूर से देखेंगे तो उस पार ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं इस पार से उस पार लोग जाते हैं घूमने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए, और चीज़ें काफ़ी खूबसूरत देखने के लिए। देखिए वहाँ ट्रेन पास में देखेंगे तो ट्रेन जा रही है, तो नीचे से ट्रेन जाती है और ऊपर से आप देखेंगे तो गाड़ियाँ भी जाती हैं, तो नीचे से ट्रेन और ऊपर से गाड़ियाँ, ये नज़ारे काफ़ी खूबसूरत आपको दिखेंगे। और यहाँ पानी का फ्लो जो है काफ़ी तेज़ है या शांत, धीरे धीरे जा रही है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत तरीके से जा रही है। तो हम चलते हैं नीचे की ओर और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ देखिए उधर लोग जा रहे हैं नाव से, इस पार से उस पार, देखिए दिखाते हैं, तो इस पार से उस पार लोग इसी तरीके से जाते हैं घूमने के लिए। काफ़ी अच्छा मौसम लगता है, काफ़ी अच्छे उधर के नज़ारे हैं उस पार के, तो खूबसूरत तरीके से उधर घूमने का नज़ारा है। चलिए देखते हैं नीचे की ओर से रखते हैं और चीज़ों को करीब से देखते हैं भाई। तो यहाँ से चढ़ने के लिए ये चीज़ें दी गई हैं, शायद गिरे ना उसके लिए चीज़ें हैं, मोबाइल ना गिर जाए। तो ये जो चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पे काफ़ी कठिनाई हो रही है चढ़ने में भाई। नाव है, नाव पे हम लोग चढ़ गए हैं, ये काफ़ी पुरानी नाव है, काफ़ी पुरानी नाव है, और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और पानी भी, पानी का फ्लो देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है। और ये नाव में जो है ये सिस्टम लगे हुए हैं, यानी कि इसमें मशीन लगे हुए हैं और मशीन के द्वारा चलाए जाते हैं, तो सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा नाव चलती है। और यहाँ चीज़ों को इस पार से उस पार जाने के लिए सुविधा लोगों को मिलता है, और यहाँ लोगों को इस तरीके से रोज़गार भी मिल जाता है। मैं नाव पे बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, और इधर की ओर मैं दिख रहा हूँ। तो हम नाव पे बैठ चुके हैं और इस तरीके से ये सफ़र, हम उस पार नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उस पार नहीं जाना है, और अगर टाइम मिलेगा कभी, क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी है और इस समय जाना बेहतर नहीं होगा, अगर उधर जाएंगे तो चीज़ों को हम अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ के खूबसूरती को देखिए और चीज़ों को देखिए, काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, और काफ़ी खूबसूरती है यहाँ आसपास देखेंगे, काफ़ी खूबसूरती है। देखिए लोग यहाँ फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, इधर की ओर देखेंगे तो इधर भी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो खूबसूरती को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ चीज़ों को देखते हैं और अनुभव लेते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर के नज़ारे, नीचे से ऊपर के नज़ारे काफ़ी बेहतर लगते हैं, और यहाँ से आप लोग देखिए फ़ोटो लोग खिंचवा रहे हैं। इधर शायद मेरा गड़बड़ ना हो जाए, तो हम यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारे,
कितने खूबसूरत नज़ारे लगते हैं आप देख लिए, देखिए चीज़ों को। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बेहतर बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, एक से बढ़कर एक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, डेवलपमेंट को दिखाएंगे, अब चीज़ों को बेहतर तरीके से दिखाएंगे और अच्छी अच्छी डेवलपमेंट, बिहार की जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ के आसपास के डेवलपमेंट को हम दिखाएंगे, हर जगह के डेवलपमेंट को दिखाएंगे, बिहार किस तरीके से बदल रहा है उन चीज़ों को दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ बदलाव हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं आसपास, क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें बनाई गई हैं, किस तरीके से बदला जा रहा है चीज़ों को, किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, कहाँ चीज़ें नहीं थी और कहाँ चीज़ों को सुधारा गया है, काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे। तो पटना से ये पटना का दीघा घाट, दीघा कह सकते हैं, दीघा का ये एरिया है, दीघा बीच भी कह सकते हैं, उस जगह के नज़ारे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे चीज़ों को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे सीन भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।